इतने नेक बच्चे, ये सारे आप लोग हैं जी। अल्लाह हकीकत में भी इतना नेक बना दे। वट्टा बोल कहते हैं ना, वट्टा वाले वट्टा, हम लोग तो वट्टा कहते थे। हाथी घूमते रहा पहला दिन। खुदाई पुलिस अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, करीब करीब आ जाएं थोड़ा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह आ जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह क्या कर रहे हैं आप लोग, क्रिकेट खेल रहे हैं जी? माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए क्रिकेट खेलने से जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है, और जब हमारी जिस्मानी कुव्वत में इजाफा होता है तो हमारा इबादत में और दिल लगता है। देखिए दुनिया का खेल तो चलता रहेगा, अल्लाह पाक ने अपने पूरे पूरे दीन में रखी है। इसी दीन के सिलसिले में हमारी मस्जिद में जमात आई हुई है, तो आप लोग चले इंशाल्लाह, बहुत फायदा होगा। भाई एक मिनट जी, एक मसला है जी। क्या मसला हो गया? असल में ये जगह ना हमने क्रिकेट खेलने के लिए रेंट पे ली है, अगर हम मस्जिद चले जाएंगे ना तो रेंट जाया हो जाएगा हमारा। ओहो ये तो बहुत बड़ा मसला हो गया। हम एक काम करेंगे ना, कल चलेंगे आपके साथ। जी जी चले फाद भाई, बिस्मिल्लाह खेलिए खेलिए। छोड़ गया अभी, बड़े आराम से छोड़ गया अभी, आप देखें तो। दूसरा दिन। ऐसा लग रहा है जैसे दयाल आ रहे हैं। दूसरा दिन। कल से वही कपड़े पहने हैं ये लोग, सफेद कपड़ों में रहते। नाम भी खुदाई बोले। निकल निकल निकल, कटो कटो कटो। भाग गए। देख रहे हैं फात भाई, इन्होंने आज का वादा किया था कि आज हमारे साथ मस्जिद चलेंगे, लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। हमें भी कुछ इसी तरीके का काम करना पड़ेगा। चलो बिस्मिल्लाह आइए। क्या मतलब? अरबी गाना मतलब ये। अच्छा ये इनके लिए वक्त पड़ रहा है। तीसरा दिन। भाई जल्दी कर शाकी, जल्दी कर, बॉल कराना यार, टाइम नहीं है। अस्सलाम भाइयों, हमें भी खिला लो यार, हम भी आपके मोहल्ले के ही हैं। अपनी टीम में ले, दूसरे को मैं अपनी टीम में ले लेता हूँ। आ जाओ फील्डिंग पे, आ जाओ। मिशन सक्सेसफुल।
شیدا شکر चौथा दिन शामिल हो। शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ फाद यार उस तरफ हो जाओ। तब नहीं हुआ लेना पकड़ के कुट लगा दें आप। ओह नाइस शॉट नाइस शॉट। यार भाईजान हाँ आप इस जगह का रेंटमेंट देते हो क्या? क्यों भाई रेंट क्यों देंगे? अपने बाप की जगह है, अपना मोहल्ला है, रेंट क्यों देंगे? क्यों कोई मांग रहा है रेंट? नहीं नहीं ऐसे कुछ। असल में ये जगह ना हमने क्रिकेट खेलने के लिए रेंट पे ली थी। अगर हम मस्जिद चले जाएंगे ना तो रेंट जाया हो जाएगा हमारा। चल यार रेडी कर यार। चलो चलो शाबा शाबा। शाबा शाबा। दो बॉल का मेहमान है बेहतरीन। सवाज में कितना नूर है यार। यार भाइयों अजान हो रही है, अजान के वक्त खेलना अच्छी बात नहीं है, तो कल यहीं से कंटिन्यू करें हम लोग। क्या करना है? चलो यार चलते हैं। चल ठीक है कल से खेलते हैं। चलो भाइयों कल खेलेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक है। फहद आ जाओ नमाज पढ़ने चलते हैं। चलो अम्मा आ जा। अभी भी लेके नहीं गए लीग वाले हैं, अभी काम चल रहा है। इधर रिएक्शन दिया ना, नमाज पढ़ने गए हैं उनको नहीं। ओए अजान हो गई, कल से खेलेंगे। सही है यार, हम लोग क्रिकेट साथ खेलते तो नमाज भी साथ ही पढ़ लेते। वैसे भी मैच खत्म हो गया और मेरे ख्याल से आप लोग भी फारिगी हैं। क्या करें चल लेते हैं। चलो यार मुझे सभा को इजी लोड लगवाना है। अबे चलना टोपी इंसान, इजी लोड कराना है। तो हम जीतेंगे पक्का। जो बात है भैया, हमार भाई ने छह छक्के मारने का वादा कर लिया। आप बॉल तो लाइन का, बॉल तो लाइन में होती नहीं है, बैट पकड़ना आता नहीं। आप सच में जान नहीं है, आपने वुजू भी किया था ऐसे ही खड़े हो गए। नमाज पढ़ी नहीं होती है। ये लोग क्या कर रहे हैं बैठ के? यार ये दीन वगैरह की बातें करते हैं, नमाज के बाद में से बैठते हैं। अच्छा देखो यार, हम लोगों ने नमाज भी पढ़ ली तो क्या ख्याल है, बैठ जाए हम लोग इनके साथ। क्या करना है इतना क्या सोच रहे हो? चलते यार बैठते हैं। दोनों तबलीग वाले थे सच्ची मुच्ची के तबलीग वाले। ये मस्जिद में थे, ये हमारी लड़की अल्लाह ताला ने मेरी आपकी बल्कि कयामत तक हमारे तमाम इंसानों की कामयाबी पूरे पूरे दिन में रखी है, और ये दिन आएगा इसी तबलीग की मेहनत से। ये क्या कर रहा है? दोनों का है ये बात बात का है। ये नबियों की मेहनत और इस मेहनत को यार पता नहीं यही कहीं होंगे जाना है। एक एक घर में, एक एक खत्ते में, एक एक इलाके में हमें ये लेके जाना। देखिए क्रिकेट खेलने से जिस्मानी वर्जिश होती है। भाइयों हमें भी खिला दो यार, हम भी आपके मोहल्ले के। और जब हमारा जिस्म चुस्त होता है तो इबादत करने में और भी मजा आता है। इसी दिन के सिलसिले में मस्जिद में जमात आई थी, तो आप लोग चले। एडिटिंग कौन करता है? बड़ी शानदार एडिटिंग है। एडिटिंग देखिए आप लोग सीधी तरह तो मान नहीं रहे थे, तो मजबूरन हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ा। आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। आप लोग माशाल्लाह दीन की बातें भी सुन रहे हैं, तो अभी इज्तिमा भी होने वाला है, तो वहाँ भी हमारे साथ चलिएगा। चले चले बिस्मिल्लाह। चले खाते ये कहानी थी ये सारे के सारे के। और इस तरह तमाम के तमाम साथी वसूल हो गए। सब वसूल हो गए माशाल्लाह, बहुत
अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया और बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि आप जिसको दावत दे रहे हैं ना उसी के माहौल में ढल के आप बात करें, ऐसे हुलिया में ना जाएं कि उसको वहशत हो। मेरा ख्याल यही मैसेज दिया, बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे और अब सच्ची मुच्ची में भी तबलीग में निकलने की तौफीक दे। छोटी मोटी में तो निकल गए, अल्लाह आप सच्ची मुच्ची में निकलने की तौफीक दे।